फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड आवरलेस। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाई चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप किसी को कम समय में अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं? दूसरों से बात करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी के हिचकिचाहट को कम कर उसे बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? यह बुक आपके इन्हीं सवालों का जवाब देती है। इसे सुनकर आप सीखेंगे किसी अजनबी से कैसे बात की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, किस तरह किसी के आंखों की हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 19 सेकंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हो कि यह इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत फनी है, या हो सकता है कि आप ये सोचते हो यह इंसान बहुत ज्यादा वेकू, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, या बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप जितने भी इंसानों से अपनी जिंदगी में मिलते हैं उन सबका आपके बारे में एक इंप्रेशन होता है उनके दिमाग में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो इंप्रेशन क्या दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका तो नहीं है? लेकिन जो चीजें आप इस बुक समरी में सुनेंगे तो यह जरूर ग्रांटेड हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीजें ही सोचें, वह आपको पसंद करेंगे। चैप्टर 2, डॉक्टर लिसा जो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है, उनकी एक स्टडी ये प्रूफ कर चुकी है जो लोग दूसरों से कनेक्ट करने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के मेंटल इलनेस से मरने के चांसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वही जो लोग ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, उन लोगों के ना तो बीमारियां ज्यादा होती है और ना ही उनके जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमारे लिए सोशलिज्म बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने जरूर नोट किया होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देख कर मजा आ जाता है। अगर वो आपकी महफिल में आ गए तो ऐसा लगता है जैसे महफिल में एकदम से जान आ गई हो। इस तरह बॉन्डिंग करना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं, वरन यह क्वालिटी आपकी सफलता पे भी इंपैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफी बड़ा होता है उनके लिए अपने ड्रीम को अचीव करना काफी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा आपके कॉलेज फ्रेंड को कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, आप ब्लाइंड डेट भी सेटअप कर पाएंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन इस फर्स्ट इंप्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड का ही टाइम होता है, सिर्फ शुरू के 90 सेकंड ही। यह डिसाइड कर देता है सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करें इन 90 सेकंड में जिससे ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन जमा पाए, इसका खुलासा आगे आपको जरूर लाभ पहुंचाएगा। चैप्टर 3, क्यों जरूरी है कि लोग आपको पसंद करें? क्योंकि जब लोग हमें पसंद करते हैं तो हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को देखते हैं। लेकिन अगर वह हमें पसंद नहीं करते हैं तो वह शुरू से ही हमारी गलतियों को देखते हैं, हमारी कमियों को देखते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद करता है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपके साहस की निशानी मानेगा। लेकिन अगर वह पसंद नहीं करता है तो वह मन ही मन में सोचेगा कितना अकड़ू व्यक्ति है, यह व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि वह आपको पसंद नहीं करता है। ऑफ कोर्स सवाल ये उठता है कि लोग कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। निश्चित ही लोग ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक है, जो मिलनसार है, जो स्वस्थ है। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके बोलने के लहजे से, आपकी आंखों से, आपके रिस्पॉन्सेस से हमेशा असाइनमेंट अटैच करते रहते हैं। हम लोगों को अटैच करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोगों के आकलन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटी अगर हमें अपने अंदर लानी है तो 90 सेकंड के अंदर ही लानी पड़ेगी। चैप्टर 4, जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है तो वह 90 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है आप उसको कैसे लगे, चाहे आप उसे बात करो या ना करो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 90 सेकंड में आपसे बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। 90 सेकंड आपको देखने के साथ ही अगले 90 सेकंड तक वह डिसाइड
डिसाइड कर लेता है कि वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो पहले समझते हैं कि 90 सेकंड के अंदर सामने वाला हमारी किन किन बातों को नोट करता है, जिससे आप भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाए। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हमारे पूरे कन्वर्सेशन के 3 पार्ट क्रिएट होते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा जो इन दोनों के बीच में आता है वह है रिपोर्ट। रिपोर्ट ही वो स्टेज है जिसमें हमें 90 सेकंड का टाइम मिलता है किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्शन बनाने के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए। दुनिया के हर एक कन्वर्सेशन में आपको यही 3 स्टेज हमेशा देखने को मिलेंगे, इसलिए हमें इन 3 स्टेज पर इक्वली फोकस करना होगा। तो अब आगे हम समझेंगे कि इन तीनों स्टेज का यूज आप कैसे कर सकते हो किसी को भी 90 सेकंड के अंदर इम्प्रेस करने में और अपना बनाने में। चैप्टर नंबर 5, एक्चुअल बात शुरू होने से पहले इन 3 या 4 सेकंड के लिए जो दोनों लोगों के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वह मीटिंग है। इस समय में दोनों लोग डिसाइड करते हैं क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वह बात करने के लिए सेफ है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप करने को कहा है। पहला, बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल देनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी क्लोज करके रखते हैं इससे दूसरे इंसान को लगता है कि या तो हम नर्वस हैं या डरे हुए हैं या उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही यह सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। दूसरी, आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। यह एक नॉन वर्बल सिग्नल है, हम दूसरों से कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कनेक्ट की आदत नहीं है वह हर बार मूवी देखते हुए या जब भी इंसान मिलते हैं उसके आई कॉलर को नोटिस करें और खुद को बताएं, जिससे वह आई कनेक्ट की आदत को डेवलप कर सकते हैं। तीसरी, बीम। मीटिंग का 3rd स्टेप बीम आता है। बीम का मतलब है जैसे ही आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें, इससे दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली इस बात को रजिस्टर करता है कि आप उससे गुस्से में नहीं है, आप एक पर्सनालिटी है। चौथी, ग्रीटिंग। अब स्माइल करने के बाद जब आप बात स्टार्ट करते हैं आपको एक बहुत अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। आपको अपनी बात शुरू करने के लिए हाय, हेलो, नमस्कार से संबोधित करना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जितना अच्छे से आप अपने को इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही अच्छे से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। यह एक अच्छा टाइम भी होता है जब आप सामने वाले से उनकी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से मिलकर बोलेंगे हेलो तो सामने वाला भी यूजली उतना ही रिप्लाई देगा हेलो या हाय बोल के, बस फिर चुप हो जाएगा। यह आप दोनों को असहज भी बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे हेलो मेरा नाम विकास है, मैं एक राइटर हूँ, तो आपको भी सामने से कुछ इतना ही बड़ा रिप्लाई आएगा, जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक आर्किटेक्चर हूँ। जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाइक है।